हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के कामों से। तो इधर हम नहाकर आ गए हैं और हमारी चाय भी बन गई है, तो इधर सेकने लगे हैं पकौड़ियाँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि हम जब चाय बना रहे थे तो हमसे ना थोड़ी सी चीनी फैल गई थी, तो इसीलिए बहुत सारी मक्खियाँ आ गई थी यहाँ पर। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, पर क्या करें। वैसे चीनी तो हमने सारे साफ़ कर दी थी, फिर भी मक्खियाँ लग रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिपाई कर देंगे, फिर उसके बाद नहीं लगेंगी। और अभी ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम करना था, तो बस ऐसे ही हमने चीनी साफ़ कर दी थी, फिर भी मक्खियाँ लग रही हैं। तो कोई नहीं, बस इधर हमारी पकौड़ी सिक चुकी हैं, चाय हमने पहले से ही बना ली थी। तो इधर हमने पापा को और सार्थक के पापा को चाय और पकौड़ी दे दी हैं, तब तक वो लोग चाय पी रहे हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड, एक नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद उसके बाद हमने जल्दी से काट ली है सब्ज़ी। तो आज हम सब्ज़ी में बनाने जा रहे हैं अरवी। वैसे हमें तो कलरी वाली ही अच्छी लगती है, उबाल कर कल्हार लेते हैं तो वो वाली हमें ज़्यादा पसंद है सूखी। तो आज हमने ऐसे कच्ची ही काट ली है, रसीली वाली बनाएंगे, रसा वाली सब्ज़ी। तो बस हमने हमारी अरवी कट चुकी है, उसके बाद यहाँ पर हम छौंकने के लिए बैठ गए हैं सब्ज़ी। और इधर सार्थक मांग रहे थे चीज़ खाने के लिए, तो बस ये हमारे पास दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, क्योंकि इनके पापा ने इनको बहुत ज़्यादा डांट दिया था। तो अपने पापा के पास नहीं जा रहे थे, वो डांट देते हैं, ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो इसीलिए हम। और खाना पीना हमारा हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं अपने कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कल शाम को धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो सूख ही नहीं पाते। जब भी कपड़े धुलते हैं तो हम शाम को ही धुलते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हमारे बाथरूम में भी धूप आ जाती है। तो इसीलिए जब भी कुल सारे कपड़े होते हैं तो हम दोपहर में ही धुलते हैं, तो इसीलिए नहीं सूख पाते हैं। तो यहाँ पे हल्के फुलके सूख भी गए हैं और आज थोड़ी हल्की हल्की ही धूप निकली है, क्योंकि बादल हैं और यहाँ पे हमने डाल दिया खटिया और उसी पे सारे कपड़े डाल देंगे, छोटे छोटे जो भी हैं बच्चों के सारे कपड़े हम खटिया पर ही सुखा देते हैं। तो खटिया पे डाल देते हैं तो अच्छे से सूख भी जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। और इधर रस्सी पे बड़े बड़े जो भी कपड़े हैं सार्थक के पापा के, वो वाले रस्सी पर फैला देंगे तो सूख जाएंगे। और यहाँ पर हमने बच्चों के कपड़े डाल दिए हैं और उसके बाद जो थोड़े गीले कपड़े रखे थे आज वाले, तो वो वाले हमने रस्सी पर फैला दिए हैं, थोड़ी जगह भी हो गई है। तो रस्सी बिल्कुल भी नहीं खाली थी, सुबह कपड़े जो धुले थे तो हमने खाली करके उसके बाद वो गीले वाले कपड़े डाल दिए हैं। और कपड़े डालने के बाद यहाँ पर लगाने लगे हैं झाड़ू। तो दोस्तों, ये शाम का क्लिप है, वही 4 बजे का। तो इधर 4 बजे वाली हमारी झाड़ू लग रही है, शाम वाली झाड़ू। तो यहाँ पर हम लगाने लगे हैं झाड़ू और पापा भी चले गए हैं, तो वो दोपहर के 2 बजे निकल गए थे, तो अब तो पहुँच भी गए होंगे घर पर, क्योंकि हमारे मायके जाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी कमरे में बरामदे में झाड़ू लग चुकी है और इधर अब हम आंगन में आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर आ गई थी बिल्ली, तो हम इधर कमरे का गेट जो है बंद करने चले गए थे, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय, तो उसका बच्चा भी है साथ में, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, तो इसीलिए इधर गेट बंद कर दिया है हमने। तो अंदर घुस जाता है तो बहुत ज़्यादा कहीं कुछ फैलाता है कहीं कुछ, तो इसीलिए गेट हमने बंद कर दिया है। और उधर बोरे पड़े थे जहाँ पे पानी गिरता है, तो कल हुई थी बारिश तो बोरे वहाँ पर डाल दिए थे, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो इसीलिए बोरे डाल दिए थे। और आज तो फिलहाल में बारिश नहीं हुई है, बस हल्के हल्के बादल ही हैं, तो इसीलिए सूखा पड़ा है यहाँ पर। तो झाड़ू हमारी लगान इधर आधे आंगन में लग चुकी है और वहाँ पर यहाँ पर भी लगा देते। वैसे झाड़ू तो लगाने में आधा घंटा लग ही जाता है, अगर एक तरफ से लगाते हैं तब आधा घंटा पूरा लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो अभी तो कहीं कहीं जगह खाली नहीं है, तो कहीं ये बालू पड़ी हुई है, तो कहीं मोरम पड़ी हुई है, तो कहीं कुछ रखा है। तो वैसे जब पूरा खाली होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में,
तो अभी तो कहीं कुछ रखा हुआ है तो जगह कम ही खाली है। और वैसे जब पूरा खाली होता है ना, हमारी झाड़ू लग ही रही थी तभी देखा कि रिश्तेदार भी आ गए थे घर पर। तो यहाँ पे दीदी उन्हीं को बैठा रही हैं और दीदी के मामा आ गए थे, तो वहीं पे दीदी ये बातें कर रही हैं उनसे और हमारी लग रही थी झाड़ू। तो दोस्तों हमारे यहाँ आंगन में कुछ ना कुछ फैला ही रहता है, तो बिल्कुल भी हमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, पर क्या करें, और कहीं जगह भी नहीं है रखने के लिए, तो कहीं बोरी कहीं कुछ रखा ही रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ खेती करते हैं तो इसीलिए बोरियाँ वगैरह फट्टे वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी हमारे घर पर, और इसीलिए कुछ ना कुछ फैला ही रहता है। तो इधर हमारी झाड़ू भी लग चुकी है और कूड़ा भरकर फेंक देते हैं, तो इधर है तजले में कूड़ा भर लेते हैं और उसके बाद इसको घोड़े पर फेंक देंगे। तो हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें कमेंट करके बताते हैं हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी को। और हमारे एक भैया जी ने कमेंट किया है कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, आपका घर कहाँ है। तो भैया जी मैं यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले के छोटे से गांव में रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और सिलाई भी करती हूँ, तो बस यही घर का काम करती हूँ भाई, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही हमारी जो ज़िंदगी है भाई, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ढेर सारा प्यार दें और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि जल्दी से हमारा चैनल ग्रो हो सके। और उसके बाद हमारा झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद आ गए हैं कपड़े घरी करने के लिए। तो सारे कपड़े सूख चुके हैं, कुल सारे कपड़े थे तो इनको घरी करके रख देते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके कपड़े हमने अलग अलग घरी करने पड़ते हैं, क्योंकि जब पहनाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ढूंढने में, तो इसीलिए अलग अलग ही घरी करते हैं और अलग अलग अलमारी में रखते हैं तो जल्दी से मिल भी जाते हैं। और इधर सार्थक के पापा के भी हमने घरी करके रख दिए हैं, तो सारे कपड़े अलमारी में लगा देते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना बनाएंगे। तो सार्थक बार बार अपनी कॉपी लेकर आ रहे थे क्योंकि इनकी किताबों में हमें पन्नी चढ़ानी थी, तो इसीलिए बोल रहे थे मम्मी इस पर पन्नी चढ़ा दो जल्दी से, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा कपड़े घरी कर देंगे फिर चढ़ा देंगे। और इधर सारे कपड़े हमारे घरी हो चुके हैं, उनको लगा देते हैं अलमारी में सारे कपड़े। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और आप सभी को हर हर महादेव।